कैसे बना सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े रहें <laughs> जी आज का क्या सीन है आज का टॉपिक ये है कि हम प्लांट्स को कैसे बाहर से अंदर लेकर आ सकते हैं <laughs> अभी तक जितने भी हमने शोज किए हैं आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ ये कहीं ना कहीं से प्लांट्स का टॉपिक बीच में आए और उसको हम किसी ना किसी तरह इनकॉर्पोरेट करें तो इंटीरियर्स में मेरा एक बहुत फेवरेट पार्ट ये होता है कि हमेशा प्लांट्स को अंदर अपनी स्पेसेस के अंदर लेकर आना गार्डन्स तो होते ही हैं लेकिन सबके पास गार्डन्स भी अवेलेबल नहीं होते और उसके लिए बहुत एक अच्छा तरीका होता है अपनी स्पेस को ड्रेसअप करने के लिए कि आप प्लांट्स अंदर ले आएँ अपनी स्पेस के ठीक है अब खुद हम... बाहर चले जाएं। नहीं आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं अच्छा? कोई ऐसी बात नहीं मतलब है मतलब पौधों प्लांट्स के साथ हमारा कोई नजरियाती इख्तलाफ तो नहीं है आपका है मेरा तो बिल्कुल भी नहीं तो है मैं तो, तो कहता हूँ हम दोस्त है वो मेरे शदीद करीबी दोस्त है और मेरा तो ख्याल है हम इकट्ठे ही इस दुनिया में मतलब हमने को करने के लिए इकट्ठे भेजा गया था चिड़िया को भी बंदर को भी और इंसान को और भालू भी था वैसे बिल्कुल एंड यू वुड एग्री कि प्लांट्स अंदर रखने के कोई एक फ़ायदा नहीं है देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स एक तो ऑफ कोर्स विजुअली बहुत अच्छा लग रहा होता है आपकी स्पेस आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा कोई स्कल्पचर नहीं है कोई लैंप नहीं है कोई और चीज़ नहीं है तो आप बस एक अच्छा सा पॉट लें और उसके अंदर कोई एक बहुत पौधा रखें और उसको आपने अच्छा थोड़ा बनाने अच्छा बनाए प्लाट्स तो, तो बिल्कुल जीरो एफर्ट कोई आपका इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं हो रहा आप सिर्फ प्लांट्स अंदर ले आए उस कॉर्नर के अंदर ये तो सबसे इसका बेसिक फ़ायदा है अब अगर उससे आगे जाएं तो प्लांट्स देखने से आपको पता है कि आपकी आपको कामनेस फील होती है इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ आपको एक सेंस ऑफ सरेनिटी होती है हमेशा आप गार्डन में अगर नहीं भी जाना चाहते तो आपको स्पेस के अंदर वो प्लांट्स वो कामनेस प्रोवाइड कर देते हैं उसके अलावा तीसरा बेनिफिट जो शायद इतने लोगों को नहीं पता होता वो ये है कि इंडोर प्लांट्स प्योरीफाई कर रहे होते हैं आपके इंटीरियर स्पेस को जितनी भी आपकी एयर है इनसाइड आप लोग ये सुन के हैरान होंगे कि देर इज समथिंग कॉल्ड एयर पोल्यूशन इन इनडोर एयर पोल्यूशन बाहर तो है ही है अच्छा। लेकिन आपके घरों के अंदर भी वो पोल्यूशन है कितना ही साफ हो और कुछ जितना मर्जी हो। आप साफ कर लें बल्कि हो सकता है अगर आप साफ ज्यादा कर रहे हो डिटर्जेंट्स और केमिकल्स यूज करके तो ज्यादा एयर पोल्यूशन आपके इंडोर स्पेस के अंदर हो okay. जो आपका पेंट होता है सर्फेस के ऊपर उसमें से टॉक्सिन निकल रहे होते हैं हर वक़्त ठीक है जो आपकी टाइल्स के अंदर ग्राउटिंग हुई हुई होती है उसमें से टॉक्सिन निकल रहे होते हैं जो आपका फर्नीचर पे पॉलिश हुई हुई है उसमें से टॉक्सिक केमिकल्स पे आ पे आ के घरों में कितनी बीमारियाँ पीरियड ऑफ दीज पास्ट ईयर डिवेलप हुई है जिनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि वो कहा से आए है वो क्यों हो जाती है तो वो इसीलिए होती हैं कि हम डेली बेसिस पे हम इनहेल कर रहे होते हैं उन केमिकल्स को आप डिटर्जेंट्स जो तो यूज करते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं आपकी वुड की फर्नीचर पे जो पॉलिश है उस पे जो पेंट, है। पेंट हर चीज में केमिकल्स है। तो ये प्लांट्स एक बहुत मेजर रोल प्ले होते हैं कि उस को clean करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब अगर आपने विजुअली नहीं भी रखना तो आप ये सोच के उन प्लांट्स को अंदर ले आए कि वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं आपकी हेल्थ को बेनिफिट हैं ठीक है और वो बहुत स्पेसिफिक तस्वीरें मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि कि ये प्लांट्स पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के साथ चलते हैं और हम घर में बहुत आराम से रख सकते हैं पहला प्लांट है जी स्नेक प्लांट ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है और ये इसकी खास बात यह है कि ये रात को ऑक्सीजन निकालता है जैसे प्लांट्स यूज़ुअली दिन में ऑक्सीजन आउट करते हैं ये रात को आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और आपकी नींद भी बेहतर हो रही है मतलब सांप के नाम से डरना नहीं है ये बड़ा अच्छा बच्चा <laughs> सांप में वैसे अच्छे होते हैं प्यारे लोग हैं उनसे बातचीत करें तो जी जी हम कंफर्ट जोन कंफर्ट लेवल आप लेडी पाम जी ये है लेडी पाम और ये मैंने आज सुबह इधर भी स्पॉट किया है हमारे आ, आ, स्टूडियो में भी हमने ये रखा हुआ है अभी हम उसको भी दिखाते हैं जो आपका दोस्त है बाय द चिंकू है बिल्कुल बिल्कुल आसिफ शाह भी चिंकू हमें दिखाने लगे फातिमा के बराबर में रखा हुआ हमने जी. ये देखे जनाब ये है चिंकू जो फातिमा के साथ पड़ा हुआ है और मेरे इस तरफ पड़ा हुआ है जी ये ये टिंकू है दूसरी तरफ जो प्लांट पड़ा हुआ है वो टिंकू है उधर चिंकू है और चिंकू बेचारा बिचा, साइलेंट हमारा दोस्त है बट सबसे ज्यादा काम इस टाइम पे ये कर रहे हैं उसको कोशिश कर रहे अच्छा साफ कर क्या हमारी जो गुफ्तु की जो इंसान जो बोलता है और बेरब बिला सोचे समझे बोले जाता है वो भी एक तरह की पोल्यूशन है क्या ये उसको भी कवर करता है या नहीं उसको ये सुनता जरूर है और उसको फर्क भी उससे पड़ता है अच्छा, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो कि अगर आप प्लांट्स के साथ बातें करें तो वो प्लांट अच्छा ग्रो करते हैं अगर, exactly. अगर आप उनसे अच्छी बातें करें और अगर आप खराब तरह उनको डील करें तो वो नहीं ग्रो करते करतेंकू मेरे दोस्त आई लव यू यार मतलब नाराज नहीं होना <laughs> फातिमा ऐसी है कोई बात नहीं मुझे पता था ये यही जुमला बोलेंगे कि फातिमा ऐसी इग्नोर है इसकी से से सुन दूसरे कान निकाल <laughs> अच्छा जी जी और भी प्लांट वो हम बस तेजी से विल जस्ट गो थ्रू देम नामों के जी, साथ क्योंकि सबका एक ही फंक्शन मनी प्लांट पैसा आता आता है कि नहीं आता है, ये बताएं। अगर आप मिथोलॉजी पे रखते हैं थोड़ा सा यकीन तो आता है ये अट्रैक्ट करता है और भी ऐसे प्लांट है लेकिन मनी प्लांट के बारे में ये कहा जाता है कि ये में अब सक्सेस भी आ सकता है जॉय लव कुछ भी हो सकता है जब लगाने की कोशिश की सड़ जाता है लेकिन का अगर ग्रीन थर्म नहीं भी है कि वो लगाते हैं प्लांट्स और वो मर जाते हैं तो ये आप लगाए तो ये बड़ा आसान है इसको ग्रो okay. करना बहुत आसान okay. जी अगला प्लांट कौन सा है जो महानूर हमें सजेस्ट करने लाइंगे आज जी ये है बेरा। बेरा। अब ये भी सब जानते हैं कि कितना एक को कित, कितना आसान है ग्रो करना इसको इतना पानी नहीं चाहिए होता ये की एक फॉर्म होती है यानी इसको कम पानी चाहिए बट इसके बेनिफिट्स बहुत हैं एक तो ये एयर प्योरीफाई भी कर रहा था और वो डिग्री और हेयर के लिए कितना अच्छा

वुड वर्क वुड कार्विंग के अंदर गई तो आज हमारा सेगमेंट uh, hmm. मतलब हमारा थीम भी वही है hmm. और आपने वही बात कर दी कि मतलब ये स्किन केयर <laughs> की बात है तो खवातीन दे नाली में अच्छा जी आगे क्या है जी इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर uh, प्लांट ये भी बहुत इजी टू ग्रो है और इसको भी आप कहीं पे भी रखें मेरा फेवरेट इसका स्पॉट होता है वॉशरूम्स अच्छा। क्योंकि वॉशरूम के अंदर भी ये आपकी हवा को क्लीन कर रहा होता है और जर्म्स को ये फाइट कर रहा होता है ओके ओके नाइस देखने भी बहुत खूबसूरत है बिल्कुंग. और आ, मानूर आपने तो देखा हुआ कि मेरे घर में ये है बहुत ज्यादा लेकिन मैंने बाहर में रखे में। hmm. अब मैं उसको उठा के बाथरूम में बाथरूम में उनको बेशक किसी छोटे से पॉइंट में आप एक पत वो निकाल के रूट वेरी इजी टू ग्रो नेक्स्ट है और ये इसका भी यही काम है नहीं रखना होता है अच्छा अब ये बिल्कुल बिल्कुल ये जो मैं प्लांट्स अभी इस लिस्ट में लेकर आई हूँ देर वेरी इजी टू आपको बहुत रेगुलरली बाहर नहीं रखना बट वैसे प्लांट को एक अच्छा होता है कि आप उसको

है उसको अगर आपने वॉशरूम में रखा हुआ है एवरी टाइम यू शावर आप थोड़ा सा पानी डाल दें ठीक है तो मतलब आसान है काफ़ी बिल्कुल ठीक अगले प्लांट पे चलते हैं जी ये है रिकमेंडेशन जी ये ड्रेसिना है इसकी काफी सारी टाइप्स होती हैं और इसका भी सेम पर्पस है इसे कलर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं पर्पल कितना ये पिंक कितना जी अच्छा इसमें बहुत वेरिएशंस होती हैं ये वेरिएटेड इसकी एक टाइप है जो राइट साइड पे पिक्चर है बाकी ये कि इसे कलर भी आप ऐड कर सकते हैं प्योरीफाई भी कर रहा है एट द सेम टाइम फिर नेक्स्ट है हमारे पास लेमन ट्री अब यूजुअली कोई सोचता नहीं है कि सिट्रस का पौधा अंदर आप लगा सकते हैं लेकिन असली है? बहुत आसान है और इसको लगाना आप अगर सीरियसली बिल्कुल और ये आराम से अंदर बहुत खुशी खुशी ग्रो करते और हैं लेमन भी लगते हैं इसमें। लेमन भी लगते हैं और पड़ा हुआ कितना अच्छा लगे ना इसमें लेमन लगे किचन में आप सोचे आपके किचन काउंटर के ऊपर आइलैंड के ऊपर ये ये लेमन ट्री आसानी से पाकिस्तान में मिल जाता है बिल्कुल आपने अपने गार्डन में देखा होगा अक्सर लोगों ने लगाया है में तो तो ये छोटे से गमले में अच्छा वही वही सीड है आपने उसको बस अंदर पॉट में रखा हुआ है है ठीक तो ये अच्छा ग्रो कर जाता है फिर क्राई एक फ्लावर टाइप है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में ये आप अपना इंडोर रखें लेकिन इसका ये जो ब्लूम होता है जो फ्लावर होता है बेसिकली ये प्योरीफायर होता है तो आपको एवरी सिक्स टू तो एट वीक्स इसको फिर चेंज करना होता है क्योंकि इसका ब्लूम इतना ही रहता होता है बट ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है और बहुत अच्छा बिल्कुल तो ये एक लिस्ट ऑफ प्लांट्स थी जो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान वाले प्लांट्स शेयर करूं ताकि आप सबको हेल्प हो और सिके. आप लें और आप ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक इसमें से लिस्ट में से आप पौधा कर लें आप ये वीडियो सेव कर लें कुछ भी कर लें लेकिन ऐसे नहीं कि ये कुछ भी उठा के कहीं पे भी रख दें एक तरीका ये है कि आप बहुत बड़े पत्तों वाले प्लांट्स को जो है वो यूज करें जैसे ये इसमें बनाना लीफ ट्री है या पाम ट्री होता है ये आप यूज करें एज अ स्टेटमेंट पीस तो ये आपका स्कल्पचरिश एक प्लांट बन जाएगा आपके इंटीरियर के अंदर ठीक है बहुत जबरदस्त फिर एक और तरीका ये है कि आप डिफरेंट प्लांट्स की लीफ शेप्स और हाइट्स को ग्रुप टुगेदर करें और उनको डिफरेंट पॉट्स के अंदर प्लांट करें वही प्लांट्स जो हमने जिक्र किया है उनको आपने सिर्फ इकट्ठे डिफाइन कर दिया बिल्कुल डिफरेंट हाइट्स के प्लांट्स को इकट्ठे आपने पॉट्स में लगा दिया वेरी नाइस फिर अपने आप ये जो कॉन्सोल्स वगैरह होते हैं इसमें एक तो ये कि आप ग्रीन और फिर ड्राइड प्लांट्स फर्न वगैरह जो ड्राइड होती हैं उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रख सकते हैं अपने टेबल्स वगैरह पे इसी तरह किचन काउंटर्स कॉफी टेबल्स छोटे छोटे से इवन ये जो मैंने स्पेशली इसीलिए रखा था इमेज um, ताकि hmm. आप बाहर दरख्तों से जाके भी बेशक शाखें अच्छी ग्रीन अगर ले आए अंदर hmm. अच्छे पत्तों वाली तो वो भी आपके ड्रेसअप कर देती है काफी, काफी दिन चल जाती hmm. है वेरी लो म

नाइन uh, uh, हम आज भी आज ही के प्रोग्राम में भी शामिल कर सकते हैं लेकिन uh, कल के प्रोग्राम में भी शामिल कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स का आपका कोई शगव कोई शौक है तो हमसे जरूर शेयर कीजिए पड़ेंगे हम अब आपके सोशल मीडिया मैसेजेस के की जान बताइए हमें किसने कहाँ से और क्यों याद किया है जी सबसे पहले हमें हिना ने दीरकोट ए जे के से जो है आजाद कश्मीर से किया है उन्होंने तस्वीरें भेजी आइए देखते हैं जी दीरकोट से हिना oh, wow. ने बहुत ही खूबसूरत वाह 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 जबरदस्त पहाड़ों का आई लव माउंटेन्स बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल ना बहुत अच्छी तस्वीर है कितनी काम फीलिंग होती है ना सिर्फ दरख्तों को या ग्रीनरी को देखने से भी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल hmm. wow, बहुत खूबसूरत आबसार की तस्वीर है लो एंगल से ली गई है वेरी गुड और अब हिना पहुंच गई है ग्लेशियर पे है जबरदस्त ब्यूटीफुल आसमान के रंग और बादल कितने अच्छे पैटर्न्स बना रहे थैंक यू वेरी मच जनाब बहुत-बहुत शुक्रिया जी अच्छा जी सबीहा ने हमें चकबाल से तस्वीरें तो भेजी हैं आइए देखते हैं सबीहा oh. अरे वाह <laughs> दोस्त था क्या जंगल में मोर नाचा सबने देखा <laughs> जी वाह 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 सबीहा थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा ओह ब्यूटीफुल व्हाइट पीकॉक का रक्स तो वाकई बहुत ही मुंफरद होता है सबिया थैंक यू वेरी मच लेकिन बताइएगा कि या आपके अपने मोर या आपने वैसे कहीं विजिट पे गई हुई थी और वहां जाके तस्वीर खींची लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत हमें गफूर खान ने गिल तस्वीरें भेजी है आइए देखते जी गजर से तस्वीर आई है और गिजर तो जनाब गाँव तो अब नहीं है बड़ा जबरदस्त टाउन है और गजर आप जाए तो इसका बड़ा हुसन है ये देखें ब्यूटिफुल <laughs> ये हमारे राइजिंग पाकिस्तान के कौन दोस्त हैं भाई इनके नाम भी आप बताएं ब्यूटिफुल पिक्चर थैंक यू वेरी मच जी अमारा ने हमें रिसालपुर से तस्वीरें भेजी हैं आइए देखते हैं हमारा रिसालपुर से लो plants, जी इंडोर प्लांट्स के, के आ गया हाथ आ गया। के हाथ <laughs> ये हमने राइजिंग पाकिस्तान में कहा और ये था अच्छा अच्छा जरा थोड़ा सा मशवरा दें

तो यार। ये ये सर पे रखा हुआ है। हाँ, ये है। लगाया हुआ। ये तो। है भी <laughs> अब ये बंगडू है ये है है पूरा अब बांगडी हमें हमें नहीं पता ना ये आप हमें है। Beautiful. मदिहा राजा ने हमें चिरा इस्लामाबाद से जो है तस्वीरें भेजी है आइये देखते लो जी चिरा से खूबसूरत तस्वीर है भाई मधिया मधिया नाम है जी सौ में से एक सौ ग्यारह आपके नंबर आपने कौशिक को कितना अच्छा कैप्चर किया है कैमरे के लेंस से दिल चले जाएं <laughs> बिल्कुल अमेजिंग बहुत खूबसूरत वेरी गुड मदिया मच अच्छा जी रिहान ने हमें कुंडी कुंडी से मैसेज कुंडी किया है, कुंडी <laughs> से मैसेज से तस्वीर भेजी ये देखते हैं सोच ले मैसेज है या तस्वीर है तस्वीर अच्छा जी पेंटिंग है वो कह रहे हैं ना मैसेज है ना तस्वीर है बहुत अच्छा है है मानूर ये आपका डिपार्टमेंट पहाड़ दर आज का मुझे लगता है टॉपिक ही ग्रीनरी है बस सारे लोगों को पहले से पता exactly. <laughs> nice. है बचपन में जो पेंटिंग बनाती हूं अच्छा जी अच्छा जी अब हम चलते हैं मैसेजेस की तरफ हमें मदीहा नजी ने इबाबाद से जो है मैसेज किया है तोसीक सर फातिमा आपी कैसे हैं आप लोग मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं छोटी सी उम्र में ही कराची पढ़ने चली गई थी तो इस्लामाबाद कुछ खास नहीं देखा हुआ था तो मैं पिछले हफ्ते अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद आई मुझे इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगा और आपके स्टूडियो के बाहर से देखा और अपनी अम्मी को भी बताया कि तोसीक सर और फातमा आप यहाँ से प्रोग्राम करते हैं okay. मेरी अम्मी बहुत खुश हुई और मुझे ये कहा कि अब आप तुम पैगाम भेजो और उनको जरूर बताओ भाई थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया ये तो अब हम ऐसे कहेंगे अच्छा घर के गेट पे आए थे अंदर नहीं आए आते बैठ के कुछ समोसे आए हुए थे हाँ चने की चटनी के साथ वो भी आपको हम खिलाते आ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका प्यार है आपका खुलूस है और वाकई इस्लामाबाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है इस मुल्क के लिए क्योंकि ऐसा कैपिटल सिटी Uh, यहाँ आर्किटेक्ट्स बैठे हुए हैं मानू जैसे ऐसा कहते हैं कैपिटल सिटी आर्किटेक्चर के एतबार से भी दुनिया में कम कम हमें सिटी है।, है बिल्कुल बहुत अच्छा डिजाइन हुआ हुआ है और नाइनटीन का डिजाइन है लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि कितना ईजी टू नेविगेट है सारे सेक्टर्स और कितना अच्छा बना हुआ है एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो लेकिन कराची से टोटल कॉन्ट्रास्ट है हम जब बोर हो जाते हैं तो हम कराची जाते हैं कराची वाले जब बोर हो जाते हैं कराची के शोर और हंगामे से वो फिर इस्लामाबाद आ जाते जाता फिर वो इस्लामाबाद की खामोशी से बोर होकर वापस चले जाते हैं अच्छा जी उसके बाद हम आ, आ, दूसरा मैसेज शामिल करते हैं फौजिया नाहिद ने हमें लाहौर से मैसेज किया और ये बहुत ही खूबसूरत सी एक पोइम है जो उन्होंने हमें भेजी है आओ देखें राइजिंग पाकिस्तान है जिसकी निराली शान अच्छा है हर एक प्रोग्राम ये है पी टी वी की जान डायरेक्टर प्रोड्यूसर और मेजबान काबिल है इसका हर मेहमान YouTube पे भी हम तक पहुंचाए हर सेगमेंट हर घड़ी हर आन अल्लाह कायम रखे हमेशा इसकी आन बान वाह वा, के लिए भी तालियां और फातिमा के लिए भी तालियां के इन्होंने पूरी की पूरी नजम पढ़ डाली वाह 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 वा, तो मैं कहता हूँ आज भाई सब लोग प्लीज कराची कंपनी से हलवा पूरी का नाश्ता फातिमा की तरफ लगा आप खुशी में कराएंगे नाश्ता अच्छा नहीं, मैं क्यों करवाऊ मतलब तो देखे मैं रोज आप सबको बहुत अंक करती <laughs> <laughs> साथियों आप हमारे साथ हैं प्राइसिंग पाकिस्तान में हुँ. एक ब्रेक और ब्रेक के बाद नादिया और साथ से मुलाकात